चलो देर चलिए करते शुरू हुए करते हैं। हाँ पहला प्रश्न है, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम कब होता है? वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम, तो ये एवरी ईयर कमोमरेट होता है 19 नवंबर को, यानी 19 नवंबर को ये हर साल कमोमरेट होता है। और ये जो डे है ये कमोमरेट होता है इन द रिमेम्बरेंस ऑफ रोड ट्रैफिक विक्टिम। तो अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में 3 लाख पर ईयर पीपल रोड एक्सीडेंट्स में डेथ हो जाती है जिनकी, ठीक है, 3 लाख पर ईयर का ये रिकॉर्ड है कि 3 लाख पर ईयर जो है यहाँ पर रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। और दिस इज अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये है 34 पीपल पर डे। तो रोड सेफ्टी की अगर हम बात करें इन इंडिया तो देयर इज सो मैनी ब्रीच ऑफ रूल्स, ट्रैफिक रूल्स का सबसे ज्यादा जो ब्रेकेज होता है वो इंडिया में होता है। फॉर इंस्टेंस कि देयर इज ए इशू ऑफ हेलमेट वेयरिंग, ठीक है, अभी डबल सीट के लिए भी हेलमेट हो गया है, बट हेलमेट को हम अपना ऑब्लिगेशन नहीं लेते कि हमारा ऑब्लिगेशन है, हमारी सेफ्टी है, हम इसलिए पहनते हैं सो दैट कि हम जो हम पर चालान होना है उससे हम बच जाए। तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू स्टार्ट विद कि हेलमेट शुड नॉट वियर कि हम हमें सिर्फ पैसे देने से बचना है, इट शुड बी वियर हमें एक्सीडेंट से या हमें जो उससे होने वाले नुकसान है उससे बचना है। अनदर इशू इज विद द सीट बेल्ट, मोस्टली सीट बेल्ट ही नहीं बांधते हैं कार एक्सीडेंट, लेकिन कार एक्सीडेंट से ज्यादा टू व्हीलर एक्सीडेंट सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। जो टू व्हीलर एक्सीडेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, और टू व्हीलर में भी सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो जो साइकिल पर जा रहे होते हैं उनके साथ होता है, जो बाइक पर जा रहे होते हैं उनके साथ, और जो पैदल भी जा रहे होते हैं, जो पेडेस्ट्रियल होते हैं उनके साथ सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू इसे क्या कहते हैं कि एक तरह से लापरवाही से आप ड्राइविंग करते हैं, ठीक है। तो अभी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो अभी 2019 में जो चेंज हुआ था उसमें चालान का जो अमाउंट है वो भी बढ़ा दिया गया था, लेकिन उसके बाद की तस्वीर थोड़ी सही नहीं है, ठीक है। तो 3 लाख पर ईयर का हमारा है, और वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम ये 19 नवंबर को कमोमरेट होता है, मनाया नहीं जाते बिकॉज दिस इज समथिंग कि उस दिन इस चीज को लेकर बातें होती है, तो इट इज नोन एज कमोमरेट, तो मनाया नहीं लिखने का, और इसमें इतनी चीजें याद रखनी है। और डेज पर क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, अभी आप कोई भी पेपर ले लीजिए, है अभी रिसेंटली एग्जाम्पल है फैट है या अभी आने वाले दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में है, तो डेज पर क्वेश्चन है जो रिसेंट में जो भी चल रहा है ना, और अब पैटर्न ऐसा हो गया है कि आपको बहुत बेसिक जीके नहीं मिलेगा, आप सोचें कि बहुत बेसिक जीके मिल जाएगा तो बेसिक जीके नहीं आ रहा है, इट इज कि आप बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट की तरह सीरियसली पढ़ रहे हैं तो GS आ रहा है, दैट इज नॉट GK, GS जनरल स्टडीज आ रही है, जनरल नॉलेज की बजाय, तो आपको इंफॉर्मेशन इन डेप्थ पढ़नी होगी। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेन्ड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया है। ये जो प्राइज दिया जाता है ये कांग्रेस द्वारा दिया जाता है, ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया जाता है, और ये अभी सोनिया गांधी जो है कांग्रेस की प्रेसिडेंट जो है, अब तो वो प्रेसिडेंट नहीं है, वो तो कांग्रेस की प्रेसिडेंट प्रेजेंट में है मल्लिकार्जुन खड़गे, और जो कांग्रेस की हेड कह सकते हैं आप, जो ऑल इंडिया कांग्रेस उनकी हेड है, तो उन्होंने ये दिया है, दो एसोसिएशन को दिया है, कौन कौन सी, एक तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेन्ड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया 2023 का, और ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है कांग्रेस पार्टी द्वारा।
नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी एनिमेशन फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया 2023 के लिए चुनी गई है? तो इफ्फी जो है, इसे शॉर्ट में कह देते हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है, इसका 54th एडिशन जो है, दैट इज हेल्ड इन गोवा, अभी ये गोवा में चल रहा है, और इस फिल्म के लिए जो बेस्ट एनिमेशन फिल्म चूज की गई है, ये चूज गई है लचित द वॉरियर। लचित द वॉरियर जो है, ये एक अहोम वॉरियर की कहानी है। अहोम मीन्स असम, ठीक है। असम का जो नाम है, हमारा जो असम स्टेट है, इसका नाम अहोम से आया है। अहोम वहाँ पे काइंड ऑफ ट्राइब्स और काइंड ऑफ एक उसमें वहाँ पर ट्राइबल और वहाँ की जो एथनिक डाइवर्सिटी है वो अहोम के नाम से ही जानी जाती है, ठीक है। तो अहोम जो है ये असम को रेफर करता है, और अहोम वॉरियर जो है ये लचित द वॉरियर एनिमेशन फिल्म 2024-23 के, इफ्फी 2023 के लिए गोवा फिल्म फेस्टिवल में ये एनिमेशन फिल्म के तौर पर चूज हुई है फॉर अवॉर्ड, ठीक है। तो इसमें इतना इनका नाम याद रखना है, कहाँ पर चल रहा है इफ्फी का जो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ये कहाँ पर चल रहा है, 14th एडिशन है, 54th एडिशन, 54वां ये चल रहा है गोवा में, और लचित द वॉरियर, अहोम वॉरियर ये चुनी गई है। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स 2023 का ताज किसने पहनाया गया? तो अभी मिस यूनिवर्स 2023 की प्रतियोगिता चल रही थी, जो कि एल सल्वाडोर में चल रही थी, एल सल्वाडोर, तो ये एल सल्वाडोर में चल रही थी, और इस प्रतियोगिता में सैनिस पलाशियो जो है, ये निकारगुआ से है। निकारगुआ एक वो छोटी सी कंट्री है, वहां से है, और पहली ये लेडी बनी है यहाँ से मिस यूनिवर्स, ठीक है। अगर इंडिया की हम बात करें तो हमारे यहाँ से, इंडिया से श्वेता शारदा गई थी रिप्रेजेंट करने के लिए, श्वेता शारदा जो हमारे 2023 की मिस दीवा रही है, ठीक है। हमारे यहाँ पे प्रतियोगिता होती है मिस यूनिवर्स के लिए, मिस दीवा, तो जो मिस दीवा रही है श्वेता शारदा, और श्वेता शारदा जो है ये टॉप 20 तक पहुंची थी, ठीक है, सिर्फ टॉप 20 तक ये पहुंची थी, इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रही थी, और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और मिस यूनिवर्स 2023 अपने आप में बहुत, इस बार जो रही, बहुत अमेजिंग कंपटीशन आप कह सकते हो, क्योंकि इस बार इस कंपटीशन में साइज प्लस साइज विमेन, ठीक है, प्लस साइज विमेन जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इसमें। इस बार ट्रांसजेंडर लेडी ने भी, ट्रांसजेंडर ने भी पार्टिसिपेट किया है इस बार, और इस बार एक मदर ने भी पार्टिसिपेट किया है। यूजुअली क्या होता है, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स जो है, दीज आर मीन्ट फॉर अनमैरिड विमेन्स, और जिनका साइज 0 हो, क्योंकि इनका एक क्राइटेरिया होता है दैट दे शुड बी साइज 0, दे शुड बी फिट इन बॉडी। तो जो बॉडी शेमिंग हो रही थी लेकर उनको, हरनाज संधू हमारे यहाँ से जब 2021 में बनी थी मिस यूनिवर्स, तो उनको एक डिसीज हो गया था जिसको सेलियाक डिसीज कहते हैं। अब सेलियाक डिसीज में क्या होता है, बॉडी जो है वो फ्रीक्वेंटली वेट गेन करने लगती है, ठीक है। उसमें फ्रीक्वेंटली गेन वेट ग्लूटेन की वजह से होता है, मतलब दे हैव टू कट ऑफ ग्लूटेन, ठीक है। जो ग्लूटेन हम लेते हैं तो वीट में होता है और बाकी चीजों में होता है, तो वो उन्हें कट ऑफ करना पड़ता था, तो उसकी वजह से उनका वेट गेन हो गया। एंड ड्यू टू दैट ऑन सोशल मीडिया और अराउंड द ग्लोब दे बिकम ट्रोल्ड, कि उनको ट्रोल किया गया और बहुत ज्यादा वो सारी चीजें हुई थी। तो उस चीज को लेकर भी मिस यूनिवर्स में इतना बड़ा चेंज हुआ कि इस बार प्लस साइज जो विमेन है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। इट मीन्स कि साइज डजंट मैटर, लाइक कि अब इसमें प्रतियोगिता में किसी भी साइज की विमेन जो है वो पार्टिसिपेट करती है, साइज डजंट मैटर। बॉडी शेमिंग को लेकर जो बहुत ज्यादा कैंपेन हरनाज संधू ने उस समय से चलाई, तो उसका ये भी रहा इफेक्ट मिस यूनिवर्स पे, कि इस बार साइज प्लस साइज की जो विमेन है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो दिस इज द अमेजिंग स्टेप फॉर दोज विमेन जो पार्टिसिपेट करना चाहती है, बट क्योंकि साइज 0 का इसमें कॉन्सेप्ट रहता है, उसकी वजह से वो नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये याद रखना है, शैनिस पलाशियो इनका नाम है, और ये निकारगुआ की पहली मिस यूनिवर्स बनी है,
और मिस यूनिवर्स का कौन सा एडिशन चल रहा है? 72nd एडिशन, ठीक है, और ई सल्वाडोर में हुआ था, श्वेता शारदा इंडिया से रिप्रेजेंट कर रही थी। नेक्स्ट है सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये कहाँ आयोजित, किसने आयोजित किया? तो ये अभी भारत ने होस्ट किया है ग्लोबल साउथ समिट। भारत मतलब हमारा देश, तो हमारी कंट्री ने इसे होस्ट किया है और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे होस्ट किया है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसमें अक्टूबर 7 में जो हमास ने अटैक किया था इसराइल पे, उसको कंडेम किया है। और इसके अलावा उन्होंने गाजा में हो रहे सिविलियन अटैक्स पर भी बात की है कि गाजा में जो सिविलियन कैजुअल्टीज हो रही है उन पर भी एक तरह से रोकथाम लगनी चाहिए, कि आतंकवाद और इसराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें जो वहां के सिटीजन है उनके उनके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए या उनकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने इस पर भी, इस मुद्दे पर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने बात की है, द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, और इसे शॉर्ट में वॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने नाइट्रोजन के कौन से आइसोटॉप की खोज की है? तो अभी नाइट्रोजन के जो 9 आइसोटॉप है ये वैज्ञानिक ने खोज किया है। और आइसोटॉप 9 जो है नाइट्रोजन का, ये बहुत रेयरली मिलता है, इसको इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, और ये इन्होंने इस बार वैज्ञानिकों ने खोज किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित रखाइन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो रखाइन की हम बात कर लेते हैं, हमारे यहाँ पे म्यांमार है। अब म्यांमार की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। ये बांग्लादेश हो गया, ये अपना त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल, यहाँ से लगा हुआ है, इस जगह से ये म्यांमार है, यहाँ म्यांमार, म्यांमार में इस जगह रखाइन स्टेट है, रखाइन स्टेट। अब रखाइन स्टेट में एक प्रकार की पॉपुलेशन रहती है जिसको कहते हैं रोहिंग्यास। रोहिंग्यास जो है ये वहां की एक एथनिक पॉपुलेशन है जो कि टोटली मुस्लिम पॉपुलेशन है, दैट दे आर फॉलोअर ऑफ इस्लाम। तो रोहिंग्यास के अगेंस्ट में वहां की जो मिलिट्री है, जो अपने आप को जुंता कहती है, जिन्होंने अपना नाम कहा है वहां की मिलिट्री है जुंता, इन्होंने वहां पे 2021 से ये चल तो रहा था 2017 से, लेकिन अभी 2021 में भी यहाँ पे इन्होंने इनका परसिक्यूशन स्टार्ट करा है, कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन रह रही है इन्होंने मिलिट्री ने उनको परसिक्यूट करना शुरू कर दिया, यानी कि मारना शुरू कर दिया है। और वहां की जो हेड थी आंग सान सू की, उनको डिटेंशन में डाल दिया था, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ म्यांमार का बॉर्डर हमारे यहाँ स्टेट से लगा हुआ है, कौन कौन से, यहाँ मिजोरम से लगा हुआ है, मणिपुर से लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो यहाँ के रेफ्यूजी है वो बॉर्डर क्रॉस करके अपनी कंट्री में आ रहे हैं, ठीक है। तो उससे प्रॉब्लम क्या है कि हमारी कंट्री में रेफ्यूजीज को लेकर जो है हमने रेफ्यूजी का कन्वेंशन साइन नहीं किया हुआ है, और दूसरा बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम है, जैसे कि इस बॉर्डर पे पहले ही ये बहुत सेंसिटिव बॉर्डर है और यहाँ पर ड्रग्स का इशू है, ठीक है, और क्राइम्स का इशू है, वो पहले ही बहुत ज्यादा है। तो रखाइन स्टेट से यहाँ पर रोहिंग्यास आ रहे थे, और 2017 में भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लक्स हुआ था रोहिंग्यास का, और अभी भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट बॉर्डर है, ठीक है। तो रखाइन स्टेट जो है ये म्यांमार में है, क्यों बहुत ज्यादा फेमस है, बिकॉज ऑफ रोहिंग्यास का परसिक्यूशन यहाँ पे वहाँ की जो मिलिट्री है वो कर रही थी, आंग सान सू की को उन्होंने हटा दिया था उनके पद से और उनको नजरबंद कर दिया था, लाइक के डिटेंशन में डाल दिया था, हाउस अरेस्ट कर दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 19 नवंबर को फाइनल हुआ है उसमें ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और इसके बारे में थोड़ी सी बातें ये भी याद रखनी है कि कौन से स्टेडियम में हुआ है, तो ये बेटा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ है,
नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि फिलहाल में कहाँ पर है, अहमदाबाद में। ठीक है, ये अहमदाबाद में हमारी कंट्री का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका फिनाले हुआ था और उसमें ऑस्ट्रेलिया विन कर लिया वनडे। नेक्स्ट है, हाल ही में एचसी, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने किस क्षेत्र में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा ने एक बिल पास, एक एक्ट पास किया था 2020 में, और उस एक्ट के तहत जो था यहाँ पर, यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उन्हें 75% रिजर्वेशन देने की बात की थी इन प्राइवेट सेक्टर। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो अगर आप हरियाणा में किसी पब्लिक, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे पहले वहां के लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी और 75% जो सीट है वो वहीं की लोकल पॉपुलेशन से फिल की जाएगी। इफ यू वांट टू गो तो आपको वहां पे जॉब नहीं है। अब इसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में केस चल रहा था, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा। ठीक है, ये इनका जॉइंट हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा, क्योंकि इनकी एक ही कैपिटल है जो कि चंडीगढ़ है। हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है ना, इनकी राजधानी अलग नहीं है, चंडीगढ़ एक ही राजधानी है। तो ये जो रिजर्वेशन है, अब हाई कोर्ट का फैसला आया और हाई कोर्ट ने कहा है कि ये आर्टिकल 16 जो है हमारा, ये उसका वायलेशन है। अब आर्टिकल 16 किसकी बात करता है? ये कहता है राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्टेट शैल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है स्टेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज देगा, मतलब समान अवसर देगा सिटीजन्स को। ठीक है, तो ये उसका वायलेशन है कि आप सिर्फ अपनी ही लोकल पॉपुलेशन को दे रहे हैं, अदर स्टेट से कोई नहीं आ सकता, अदर स्टेट से कोई यहाँ पे नहीं ले सकता। अब हाई कोर्ट ने जो है इनका ये फैसला रद्द कर दिया है और इस एक्ट को भी वाइड बता दिया है, यानी कि अवैध। अब यहाँ के जो भी मंत्री वगैरह जो भी हैं वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, तो ये कहा। नेक्स्ट है, 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जो ट्रेड फेयर है ये अभी नई दिल्ली में चल रहा है और ये 28 नवंबर तक चलने चलेगा, 28 नवंबर तक। और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है ये कहाँ, नई दिल्ली में कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो अभी आपको पता है G20 हुआ है, तो जहां पर G20 हुआ है वहीं पर ये आयोजित हो रहा है, प्रगति मैदान में। और प्रगति मैदान में अभी एक वेन्यू बना है नया, जहां G20 हुआ था, कौन सा? उसका नाम है भारत मंडपम, भारत तो भारत मंडपम में ये ट्रेड फेयर आयोजित हो रहा है और ये 42nd एडिशन है इसका, जहां पर वर्ल्ड से फेमस जो कंपनीज है वो अपने आप को वहां पर रिप्रेजेंट करेंगी, अपना प्रोडक्ट शो करेंगी ट्रेड फेयर में, और बहुत सारी चीजें वहां पर दिखाई जाएंगी। और अराउंड इंडिया से भी वहां पर बहुत सारी जो प्रदर्शनी में अपने अपने प्रोडक्ट, अपना अपना जो उनका होगा वो सारी चीजें वो ट्रेड फेयर में दिखाते हैं। ठीक है, तो दिस इज डन, और करंट अफेयर्स के लिए फॉलो करते रहिए द फ्यूचर कोचिंग को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।